1993 मुंबई बम धमाके से जुड़े मामले में अवैध हथियार रखने के लिए संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके चलते 2013 मई से संजय दत्त पुणे के येरवड़ा जेल में 5 साल की सजा काट रहे थे। संजय दत्त को सजा काटने के दौरान कागज की थैलियां बनाने का काम दिया गया था। जेल से बाहर आने तक संजय दत्त ने 1500 थैलियां बना ली थी। एक थैली बनाने में संजय दत्त को पहले बहुत समय लगता था, लेकिन बाद में संजू बाबा का हाथ इस काम में साफ हो गया था। रोज सुबह 5 बजे उठने के बाद संजय दत्त को दूध और केला दिया जाता था। जेल नियमों के अनुसार अच्छे बर्ताव के लिए संजय दत्त की 256 दिन यानी 8 महीने की सजा कम हुई है और इसीलिए उन्हें 8 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया है। संजय दत्त जेल में बीमार रहने लगे थे और उन्हें घर और परिवार की याद सताती थी। संजय दत्त को इस बीच कई बीमारियों ने भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। संजय ने अपने कमरे में धार्मिक किताबें पढ़ना और योगा करना शुरू किया तो उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। जानकारी के अनुसार संजय जेल से पेरोल पर कई बार बाहर आए हैं, जिस पर कई तरह के बवाल का भी उन्हें सामना करना पड़ा। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।